दोस्तों ये जियो एफ 320B का मॉडल है, तो इसका प्रॉब्लम है दोस्तों कि ये मैक इसमें ख़राब है। तो मैं आप लोगों को डिटेल में बताना चाहूँगा कि इसका मैक अगर ख़राब अगर हो जाता है तो किसी प्रकार से ख़राब होता है तो क्या कीजिएगा कि इसमें ओरिजिनल मैक अगर कस्टमर अगर आप लोग खरीद के लाते हैं ना तो ध्यान में रखते हुए खरीदिएगा। आप लोग बोल के मांगिएगा कि इसको जियो का ही पिन चाहिए, सॉरी जियो का ही मैक चाहिए, और अदरवाइज दूसरा मैक आप लोग इसमें लगाते हैं तो वो सपोर्ट नहीं करेगा और साथ ही प्रॉब्लम ये करेगा दोस्तों इसमें। दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि हैंग लोगों में आके अटक जाता है, तो ये प्रॉब्लम फिर बाद में सॉल्व नहीं होने लगता है, हैंग लोगों वाला प्रॉब्लम बहुत। तो अक्सर प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है दोस्तों कि ये मैक के ही वजह से हैंग लोगों का प्रॉब्लम भी आता है दोस्तों। और ओरिजिनल जियो 5 पिन मैक जो रहता है 320 भी ओरिजिनल मैक जब तक इसमें नहीं लगाइएगा तब तक इसमें नहीं लेगा। तो और दोस्तों इसमें क्या होता है ना कि हैंग लोगों में आके अटक जाता है, तो ये सारा प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है दोस्तों कि हैंग लोगों में अटकना मेन मुद्दा रहता है कि मैक का ही वजह से ही ये प्रॉब्लम देखने के लिए मिलता है। तो बहुत सारा वीडियो यूट्यूब वीडियो में अपलोड कर चुका कि उसमें दिखा रहा है कि 2 पिन मैक लगाएं तो सक्सेस है, या तो इसमें दूसरा पिन 3 पिन 4 पिन जिस टाइप से भी मैक लगाए तो सक्सेस हो जाएगा, लेकिन ये सब फेंक है दोस्तों। अगर इसे अगर सॉल्व नहीं क्या होता है ना दोस्तों कि अगर लगाइएगा तो हैंग लोगों में आकर अटकेगा तो फिर क्या होता है कि वो प्रॉब्लम बहुत ही मुश्किल से ही हट पाता है, नहीं तो सॉल्व भी नहीं हो पाता। तो दोस्तों मैं हूँ संतोष कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञान टेक्निकल अपना चैनल। तो दोस्तों ये चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को दिखा रहा हूँ, इसको सबसे पहले रिमूव करेंगे और दोस्तों रिमूव करने के बाद उसे चेक करेंगे कि ओरिजिनल और डुप्लीकेट में कैसे फर्क होता है। तो अगर ओरिजिनल रहेगा तो कंटिन्यूटी कहाँ से कंटिन्यूटी देगा, नकली रहेगा तो कहाँ से नहीं देगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए और चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले दोस्तों इसे रिमूव कर लेते हैं। तो रिमूव करने से पहले दोस्तों सबसे पहले इसमें पेस्ट लगा लेंगे, तो पेस्ट रिमूवल पेस्ट लगाएंगे दोस्तों, उसके बाद इसे रिमूव करेंगे। और सॉरी दोस्तों मेरा ब्लोअर बहुत आवाज़ करता है, तो मैं यहाँ वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा, उसके बाद मैं रिमूव करके ही दिखाऊंगा डायरेक्ट, नहीं तो क्या होता है कि आवाज़ बहुत करता है ब्लोअर। आप लोग एक थोड़ा सा डेमो देख सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसे क्या करेंगे रिमूव कर लेंगे उसके बाद। तो दोस्तों इसे रिमूव करने तक मैं वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए, और मैं आप लोगों को चेक करके दिखा दूंगा कि और तो दोस्तों ये रिमूव हो चुका है। अब क्या करेंगे इसे सबसे पहले टेस्टिंग करके देखेंगे कि इसका मैक में क्या है नहीं है। तो सबसे पहले दोस्तों तो दोस्तों मैं कंटिन्यूटी रेंज में इसे सेट कर चुका हूँ। अब क्या करेंगे दोस्तों इसे चेक करेंगे, तो ध्यान में रखते हुए चेक करेंगे दोस्तों कि इसका जो हाँ ध्यान में रखते हुए चेक करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि इस तरह कंटिन्यूटी ये इसमें और इसमें दोनों में बताना चाहिए। तो इसमें हम कंटिन्यूटी रेंज से चेक कर रहे हैं, इसमें नहीं बता रहा है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसे अच्छा से चेक कर लेते हैं, तो देखिए इसमें नहीं बता रहा है। तो दोस्तों इसका जो मार्केट का जो मैक है उसे भी चेक कर लेंगे। तो ये रहा मार्केट का मैक, इसे भी चेक कर लेते हैं।
ये बीप का आवाज आना चाहिए दोस्तों, इसमें नहीं बता रहा, देख सकते हैं कुछ भी नहीं बता रहा। तो ये जो सिग्नल है दोस्तों, ये ग्राउंड का सिग्नल है, तो ये दोनों एक दूसरे में कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो इस टाइप से कंटिन्यूटी आना चाहिए। तो दोस्तों इसमें कंटिन्यूटी इसलिए आ रहा है, इसमें आप लोग देख सकते हैं ये कंपनी का ये माइक नहीं था, तो किसी भाई ने इसे लगाने का प्रयास किया, तो इसमें क्या है कि इसमें देख सकते हैं ये मैच कर दिया है एक दूसरे में, तो इससे कंटिन्यूटी तो आना ही आना है। तो ये मार्केट का ही माइक था जिसके कारण इसमें सपोर्ट नहीं लिया। और दोस्तों इसमें ये भी रहा मार्केट का, तो इसमें भी सपोर्ट नहीं किया। मैं आप लोगों को फिर से मैं टेस्टिंग करके दिखा रहा हूँ कि इसमें सेट नहीं लिया है, ये देखिए कंटिन्यूटी नहीं बताया गया इसमें। तो देख सकते दोस्तों इसमें वैल्यू सप्लाई कर रहा है लेकिन इसमें कंटिन्यूटी नहीं बता रहा है। तो ये मार्केट का है और इसे भी चेक कर लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों इसमें भी नहीं बता रहा, देखिए इसमें भी सेम वैल्यू सप्लाई कर रहा है, मतलब ये भी मार्केट का है, तो इसलिए ये माइक सपोर्ट नहीं कर रहा था। तो दोस्तों आप लोग प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि मार्केट का ही लाना है और ओरिजिनल ही लाना है, और ओरिजिनल का प्रक यही है दोस्तों, मैं आप लोगों को ठीक से दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये दोनों जो है गोल सा और ये साइड में ये ग्राउंड में आना चाहिए दोस्तों, ये बीप का आवाज़ आना चाहिए जिस टाइप से यहाँ बीप का आवाज़ आ रहा है। तो ये इसमें बीप का आवाज़ का कारण मेन यही है कि इसमें दोनों एक दूसरे में ग्राउंड कर चुका है पहले से, इसलिए आ रहा है। तो इसे हटा देंगे तो फिर नहीं आएगा इसमें। और दोस्तों ये जो दोनों साइड का है ये ऑडियो सिग्नल है और ये डाटा सिग्नल है, बाद बाकी इधर ग्राउंड है और इधर प्लस पॉइंट है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को पसंद लगा होगा। चैनल में नए हैं दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और कोशिश कीजिएगा नया मैक जियो का ओरिजिनल मैक लगाने के लिए। मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।